अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ। टुडे वी रीड अबाउट कंप्यूटर। आई एम योर टीचर साजिदा। टॉपिक वर्कशीट नंबर 1 एंड लेसन नंबर 1। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा बेटा, उसमें आपको सब कुछ मैंने बताया, सारी डिटेल्स बताई। डाटा फंक्शनिंग क्या है, व्हाट इज़ डाटा, और इसके अलावा मल्टी फंक्शन कंप्यूटर क्या होता है, फिर फ्लॉपी डिस्क क्या है, डिस्क ड्राइव क्या है, इन सब के बारे में बताया। ठीक है, तो आज हम इससे मुतालिक वर्कशीट करेंगे, तो गौर से देखिएगा बच्चों। आगाज करते हैं, लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन डाटा। डाटा क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। आगे क्वेश्चन लिखेंगे हम और फिर नीचे उसका आंसर, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसमें वैसे भी आप लोग शिकायत करते हैं कि छोटा है लिखा हुआ, और बात भी सही है कि सही तरह से दिखाई नहीं देता, तो मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन लिख के फिर उसका आंसर लिख दूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मल्टी फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। मल्टी फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, ये भी हमने पढ़ा है कि मल्टी फंक्शनिंग कंप्यूटर क्या होता है। डेटा जो होता है बच्चों, वो जो कंप्यूटर में हम जो कुछ फीड करते हैं, जो कुछ हम उसको प्रोग्रामिंग देते हैं, वो उसमें उसको डेटा कहते हैं। जो भी उसमें स्टोर किया जाता है उसको हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मल्टी फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, कि मल्टी फंक्शनिंग कंप्यूटर में ऐसा कंप्यूटर जो मल्टी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन, यानी एक साथ बहुत सारे काम कर सके, ठीक है। पहले ये हम 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। प्लेस टिक मार्क्स इन सेल्स बिलो टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। अब प्राइमरी स्टोरेज क्या है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है कंप्यूटर में, आपने उन पे टिक करना है जिसमें प्राइमरी स्टोरेज होती है, यानी कि प्राइमरी चीज़ें जो हम स्टोर कर सकते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज उसमें कौन सी चीज़ें हैं, हार्ड डिस्क है, USB है, ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ये हमने इनको अलग अलग से टिक करना है, ठीक है, टिक का मार्क लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 था जैसे कि डिफाइन डाटा, तो इसका आंसर है फैक्ट्स, डिटेल और इंफॉर्मेशन दैट स्टोर्ड और यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा। फैक्ट्स, जो भी हकायक हैं, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी तफसीलात होती हैं, इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे पास मालूमात होती हैं, दैट स्टोर्ड, जो वो स्टोर हो जाती हैं कंप्यूटर में, ठीक है, और उसको हम डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ मल्टी फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा कंप्यूटर जो एक वक्त में कितने काम कर सके, तो इसका आंसर है वी कैन लिसन अ सॉन्ग। उनका एग्जांपल देनी है हमने इसकी, वी कैन लिसन अ सॉन्ग, डाउनलोड अ मूवी एंड प्रिपेयर वर्ड डॉक्यूमेंट्स एट ऑल द सेम टाइम। यानी एक ही वक्त में हम देखें ना, गाने भी सुन सकते हैं कंप्यूटर पे, कोई मूवी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, पीछे हमारे सॉन्ग चल रहे हों, साथ हम मूवी भी डाउनलोडिंग पे लगा दिया हमने, और उसके साथ हम अपना वर्क भी कर रहे हैं, कोई वर्ड प्रिपेयर, कोई फाइल बना रहे हैं कंप्यूटर में, तो सेम टाइम में कंप्यूटर करता है, तो इसको मल्टी फंक्शनिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मल्टी फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, कि एक कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है एक वक्त में, तो उसको मल्टी फंक्शनिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, प्लेस टिक मार्क्स इन द सेल्स। सेल क्या है? ये जो हमारे पास ब्लॉक्स बने हैं, इसके अंदर हमने टिक लगाना था। तो पहला हमारा था
क्या है जिसमें प्राइमरी स्टोरेज होती है और जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज होती है, वो कौन सी चीज़ें हैं। फ्लॉपी डिस्क है हमारे पास, उसमें सेकेंडरी स्टोरेज होती है क्योंकि हम उसमें खुद फ्लॉपी डालते हैं उसमें करके, और वो सेकेंडरी स्टोरेज है। उसके बाद हार्ड डिस्क है जो उसके उसमें ऑलरेडी होती है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, इसको प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है। उसके बाद यूएसबी ड्राइव है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है क्योंकि हम इससे खुद स्टोर करते हैं, बाद में जो भी कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है जिसमें प्राइमरी स्टोरेज होती है उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज में करने के लिए हम यूएसबी यूज़ करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने कंप्यूटर में से कोई आपने अपनी फ़ाइल निकालनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल है, कोई मूवी है, तो आप यूएसबी उसमें लगाएंगे और उसमें वो सारा डाटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यानी वो प्राइमरी से सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगी, यानी कि दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे स्टोर हो जाएगा, इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सीडी ड्राइव है, ये भी सीडी होती है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। इसको भी हम जब सीडी डालेंगे उसमें तो हमारी जो भी हम हमारी मूवी चलती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चलते हैं, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। ये हमारे पास हम किसी कंप्यूटर से ही हम इसको सीडी के ऊपर स्टोर करते हैं, ठीक है, और फिर बाद में कंप्यूटर पर ही देखते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। काफ़ी आसान है आपकी ये वर्कशीट, आपने इसको प्रिंट आउट कर लें या वैसे लिख लें और सॉल्व करें और याद भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।